ग्रेटर नोएडा के दादूपुर गांव में फतेह सिंह नागर जी के घर पर आज बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। उसकी वजह रही उनकी बेटी रुचि नागर। रुचि नागर ने 12th के एग्जाम में सेंट जॉर्ज स्कूल से 99.2% अंक प्राप्त किए। बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आसपास के क्षेत्र में इतने मार्क्स किसी स्टूडेंट्स के आए नहीं। तो नमस्कार, मैं शफी मोहम्मद सैफी NCR एक्सप्रेस न्यूज से। साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमें मौजूद यहाँ दादूपुर गांव में, दादूपुर गांव की है रुचि नागर, एक बहुत बड़ी कामयाबी। आपने सुना तो होगा कि किसी के 80% मार्क्स आ जाते हैं, किसी के 85, किसी के 90, लेकिन इस बेटी के मार्क्स आए हैं 99.2, यानी सिर्फ 0.8 कम रह गया है 100 में। और हो सकता है कि इसका डिस्ट्रिक्ट में भी कोई नंबर हो। और रुचि की इस कामयाबी पर पूरा परिवार खुश है। आपने देखा यहाँ पर, यहाँ बहुत लोग इकट्ठा हैं, स्वागत हुआ है, ढोल नगाड़ों से यहाँ स्कूल के लोग भी पहुंचे हुए हैं। ये स्कूल में पढ़ती है, सेंट जॉर्ज स्कूल, जो ग्रेटर नोएडा के दल वो खेली नहर से मार्ग जाता है सीधा कासने को, उस पर पढ़ता है सेंट जॉर्ज स्कूल, वहां की छात्रा है रुचि नागर। रुचि नागर, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ी कामयाबी है आपकी। पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा महसूस कर रही हैं आप इस कामयाबी पर? थैंक यू सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा रिजल्ट 99.2% आया है और इस पर मुझे बहुत खुशी है। अच्छा रुचि, किसी कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता, आप किसको सिरे देंगी? किसी स्कूल को, पेरेंट्स को, क्या कोई खास जिसकी वजह से आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है? मैं इस चीज का क्रेडिट अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूंगी, और स्पेशली मेरे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर क्षितिज खन्ना और कोऑर्डिनेटर मिस्टर कुणाल भाटी, और ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल रहा ही था गाइडेंस में। बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा, आपकी एक सिस्टर भी हैं सामने खड़ी हैं, उन्होंने भी टॉप किया, उनका भी मार्गदर्शन मिला क्या? यस सर, ऑब्वियसली मेरे भाई की भी परसेंटेज काफी अच्छी रही थी, तो इनसे मुझे हमेशा गाइडेंस मिलती रही है, तो उन्होंने काफी हेल्प किया। अच्छा, सेंट जॉर्ज स्कूल है, आपने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उस स्कूल के बारे में आप क्या कहोगी? सर, काफी बेहतर है और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने हमेशा गाइड किया है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। अच्छा, इन फ्यूचर क्या योजना, क्या करना चाहती हैं? सर, अभी तो CET देंगे, फिर BA ऑनर्स करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, फिर UPSC की तैयारी करेंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अच्छा, आपकी इतनी बड़ी कामयाबी, कोई खास मैसेज यंग जनरेशन के लिए? सर, मैसेज तो यही रहेगा कि अपनी स्टडीज को लेकर पूरा फोकस रहें, डिटरमाइंड रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। फतेह सिंह जी, आपकी बेटी ने बड़ी कामयाबी हासिल की, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब बता नहीं सकते, इतनी खुशी है मेरी बेटी ने। मेरा नाम अजब सिंह जी, आपकी बेटी की बड़ी ख्वाहिशें हैं, बता रही है बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रही है और हो सकता है IAS बने, PCS बने, तो आप बच्चे के कदम से कदम साथ? बिल्कुल साथ हूँ, कदम से कदम, हर तरीका तैयार हूँ, बस मेरे ऐसे ही नाम रोशन करते रहे मेरी बेटी, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना, मेरी बेटी ऐसे ही नाम करे, आगे बढ़े और DM बने। पवर सिंह जी, बड़ी कामयाबी है बेटी की, और कहते हैं ना, एक बेटी जब शिक्षित होती है तो कई परिवार शिक्षित होते हैं, क्या कहेंगे इसकी कामयाबी पर? मुझे तो बेटा से भी बेटी प्यारी लगती है, इसने वो काम करके दिखाया जो कर नहीं सकता पूरे जिले में, और सभी का सहयोग रहा परिवार का, मेंटेन करने में, शिक्षा में, वहां में सब कोई कमी नहीं आती। जो आपकी बेटी ने बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है और इतने बढ़िया मार्क्स 99.2%, क्या कहेंगी बेटी कामयाबी पर? मैं इसके ही लिए नहीं, मैं गांव की हर लड़की के लिए बोलना चाहूंगी कि हर लड़की इसी तरीके से एजुकेशन को आगे मतलब बढ़ावा दे। मैं इसी के लिए नहीं बोलना चाहूँ, हर बेटी के लिए बोलना चाहूंगी। आपकी और दूसरी बेटी भी है, वो भी टॉपर है? हाँ, उन्होंने 95 आए हैं उनके, वो स्कूल गई हुई है फिलहाल, तो मैं काफी खुश हूँ। खुशी चालू है ना वो नीचे? खुशी, बड़ी कामयाबी आपकी सिस्टर की, क्या कहेंगे आप?
मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी तो आएगी, पर 99 के रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इस बार तो। जब मैं रिजल्ट चेक कर रही थी, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ था कि इतने नंबर आ गए। आप भी टॉपर रही हैं सेंट जॉर्ज स्कूल की। अच्छा स्कूल है, और मेरे तो मतलब इतने अच्छे अच्छे टीचर्स थे, हिंदू मैम थी, कुणाल सर क्लास टीचर थे हमारे, और सीपी सर तो सबसे अच्छे टीचर थे केमिस्ट्री के, और बुला मैम ने मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन किया है हमारी पढ़ाई में, सारा इनकरेजमेंट उन्होंने किया है। हमारे साथ सेंट जॉर्ज स्कूल की कोऑर्डिनेटर है मोनिका गुप्ता जी। मोनिका जी, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा आपका, बहुत ही अच्छा। और ये जो स्टूडेंट खड़ा है इसके 99.2 मार्क्स, क्या कहेंगे आप इसकी कामयाबी पर? सर ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे एक बच्चे ने, वैसे तो बहुत सारे हमारे बच्चे जिनके 100 आए हैं काफ़ी सारे विषयों में, लेकिन रुचि ने तो कमाल ही कर दिया, ये स्कूल का डायमंड साबित हुई है इनकी। लेकिन इनके जो लक्षण थे, जो शुरू से इनकी हरकतें थी पढ़ाई को लेके, इतनी हार्ड वर्किंग, इतनी डेडिकेटेड, कभी भी कोई भी डाउट होना तो जब तक डाउट क्लियर नहीं होता था तब तक टीचर को छोड़ना नहीं, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा तो शुरू से था ही, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस इसने खुद ही हमारे लिए बढ़ा दी थी, हमें उम्मीद थी पहले से कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी टीचर्स ने बहुत मेहनत की है और बहुत ही शानदार, और बहुत लकी है कि रुचि जैसा छात्र हमारे स्कूल में जो है पढ़ती हैं, उन्होंने इतना अच्छा जो है रिजल्ट दिया है। हम बहुत ही गौरव कहते हैं ना, बहुत ही बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस चीज को। मोनिका जी, ग्रामीण क्षेत्र में आप एक ऐसी संस्था चला रही हैं और इतने बढ़िया मार्क्स, क्या क्या सुविधाएं आप दे पा रही हैं स्टूडेंट्स को? सर पूरी कोशिश करते हैं, जैसे कि रुचि तो खैर है ही शुरू से बहुत ही इंटेलिजेंट रही है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फैमिली बैकग्राउंड में या कहीं ना कहीं ऐसी परेशानियां होती हैं, जो विषय पे उनकी पकड़ इतनी मतलब पक्की नहीं होती है, कमज़ोर होती है, जिनको क्लास के अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। तो हमारे यहाँ स्कूल में 1 घंटे की मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास रखी जाती है, बच्चों को पहले ऑब्जर्व किया जाता है कि किस सब्जेक्ट में बच्चे को किस तरह की उसकी वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा क्लास का शेड्यूल और स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। एकेडमिक को लेके बहुत सारी चीजें जो है हम लोग फॉलो करते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराना और टाइम टू टाइम काउंसलिंग करना, पेरेंट्स को बुलाना, पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, उनसे मिलना, बच्चों से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे किए जाते हैं। एक्चुअली स्कूल ने हर दिन में अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स इसलिए रखे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर पाए, बच्चों की परेशानियां सुन पाए, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी परिणाम है, मतलब जो भी रिजल्ट या जो भी हम लोग बोलते ना उसको, क्या बोलूं मैं उस चीज को, जो भी नियम वो है वो हम कर पाते हैं उनके साथ। कुणाल जी, बड़ी कामयाबी है रुचि की, आपके स्कूल की छात्रा, क्या कहेंगे आप इसकी कामयाबी? इसकी कामयाबी से हम इतना खुश हैं कि बस बता नहीं सकते, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को कि हम कितने खुश हैं इस चीज को लेकर के। और जब इसने एडमिशन लिया था 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज में, उसी दिन पता लग गया था कि 497 496, मैं तो सोच रहा हूँ 1-2 नंबर और कहाँ कट गए, ठीक है, इसके कटने नहीं चाहिए थे बिल्कुल भी नंबर। और रिजल्ट तो हमें प्रेडिक्ट था पहले से ही, ठीक है ना, इसका इतना परसेंटेज तो आएगा ही आएगा, लेकिन मतलब जिले में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा नाम रोशन कर दिया, हमारे स्कूल का भी, हमारे सेंट जॉर्ज पूरे परिवार का नाम रोशन किया, ठीक है, बहुत खुश हैं हम लोग।